खोराबार थाना क्षेत्र के रामगढ़ उर्फ रजही पासी टोला में गुरुवार की देर रात पैसे के लेन देन को लेकर प्रॉपर्टी डीलर अमर पासवान के घर पर उसी के साथी अंधाधुन फायरिंग कर दिए। आरोप है कि अमर पासवान के साथी विशाल पासवान ने गुरुवार की रात 12:30 बजे अमर पासवान के घर अपने 3 साथियों के साथ चढ़कर फायरिंग कर दी, लेकिन गोली किसी को नहीं लगी है। वहीं खोराबार पुलिस ने अमर पासवान के तहरीर पर कपिल पासवान, विशाल पासवान, दुर्गेश मौर्य, जितेंद्र मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। जिसके संबंध में SP सिटी सोनम कुमार ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि यह दोनों व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तथा पैसों को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर चढ़कर फायरिंग कर दी, जिसमें खोराबार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रॉपर्टी डीलर अमर पासवान और SP सिटी सोनम कुमार ने कहा, उनके पास फोन किया वो भी नहीं उठाए, जो जिला उत्तर जिला जीता है जिला पंचायत में अपने लड़का से बोले बेटा यहाँ से लो, तो यहाँ से मोबाइल ऐसा किया तब ले दाएं से सुन गए, यहीं से मार दिए वहां तो गोली मारे रहे थे, गोली चला है कि नहीं चला है ये बताइए, कोई अपने जान पर ऐसा खिलवाड़ करेगा? देखिए काम किया बहुत गुंडागर्दी कर रहा है सर। कल हम 12 बजे के करीब में सोए थे, 12 बजे तक नींद पूरी तरह हुआ नहीं था, तब तक पासवान का लड़का मौर्य का भाई पासवान 4 लोग आए, संख्या तो ज़्यादा थी उन सब की, लेकिन बचाव में ज़्यादा उनको पहचान नहीं कर पाए हम, सब गोली चला के फायरिंग राउंड में बरामद हुआ। मेरे फ़ोन को भी नुकसान हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले कि प्रूफ के तौर पे रहेगा, लेकिन वो सब उसमें भी गोली चला दी, मेरे ऊपर भी गोली चला है, इस तरह बचाव करके अपना हम भागे। पुरानी रंजिश और कुछ पैसे की लेन देन की वो थी, सब हड़प करना चाह रहे थे हम, चुनाव में अपना मन मत अपने हिसाब से दान करना चाहिए जिसको भी देना चाहते हैं, लेकिन वो सब इसको देना है उसको देना है, अब उनके पक्ष में हम नहीं रहे थे तो सब ज़मीन का पैसा वैसा हड़पने लगे सर। दोनों का विवाद है, चुनाव का भी बहुत ज़्यादा, चुनाव से उन सबको मन में गुस्सा आ गया, पहले भी ये सब सोशल मीडिया जितना ही सबका आईडी है, फेसबुक है, सब जगह माफिया लिख के चलते हैं, जिनका जितना भी आईडी है सब माफिया नाम से है जी सर। पुलिस ने सूचना दिए थे, FIR भी दर्ज हुआ है, धारा भी उन पर लगी गई है। ये सूचना में ये मिली थी कि ये प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, इनमें आपस में कुछ विवाद चल रहा था, इसी क्रम में ये घटना हुई है। इसमें मुकदमा प्रासंख्या 438/21 धारा अंतर्गत 307, 504, 506, 427 पंजीकृत किया गया है। नामजद जो चेहरी दी गई थी उसके हिसाब से मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और ये लोग एक ही गांव के निवासी हैं, इस पे जो आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। अभी इसकी जो है खोजबीन की जा रही है और जैसे ही ऐसा कुछ होता है हम आपको सूचित करेंगे। क्या मामला था, क्यों ऐसा किया? ये प्रॉपर्टी का इनका विवाद था और प्रॉपर्टी डीलिंग का ये कार्य करते हैं, उससे ही कुछ उससे रिलेटेड मामला है सर। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी और जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी।